हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज का हमारा टॉपिक है ड्राई आई, जिसको हम कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस सिक्का भी बोलते हैं। सो ड्राई आई या कैरेटो कंजंक्टिवाइटिस सिक्का या केसीएस, वेल डेफिनेशन के हिसाब से ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है टियर फिल्म का, जो कि आपकी ऑक्यूलर सरफेस को अफेक्ट करेगा, गिविंग यू द सिम्टम्स ऑफ इरिटेशन, ग्रिटिनेस, फॉरन बॉडी सेंसेशन, समटाइम्स रेडनेस ऑल्सो। सो ड्राई आई इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ द टियर फिल्म अफेक्टिंग द ऑक्यूलर सरफेस and it is of multifactorial etiology, तो normally हमारी जो ocular surface है, ocular surface मतलब cornea का epithelium plus conjunctiva, तो ocular surface के ऊपर जो normal tear film की distribution है, तो tear film का disorder है dry eye, right? तो जिसको हम सिंपल भाषा में आंखों का खुश्क होना भी बोलते हैं। तो इट्स प्राइमरली अ डिसऑर्डर ऑफ द टियर फिल्म या टियर्स। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टियर फिल्म या टियर्स का मतलब क्या है। तो टियर फिल्म या टियर्स में तीन लेयर्स होती हैं, जिसमें से सबसे बाहर वाली या जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लिपिड्स की बनी होती है। सो द आउटर मोस्ट लेयर इज द लिपिड लेयर, द मिडल लेयर इज द एक्वस लेयर या वॉटरी लेयर, एक्वस लेयर, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ म्यूसिन। सो लेट्स स्टडी ऑल दीज लेयर्स वन बाय वन। जो सबसे बाहर वाली लिपिड लेयर है, तो इट इज मेनली या चीफली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मीआईबोमियन या माइबोमियन ग्लैंड्स, जो कि आपकी आईलिड्स में होते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, दे आर सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी बोथ अपर एंड लोअर आईलिड्स। इनकी सिक्रीशंस को हम मीबम बोलते हैं, जो कि मेनली लिपिड होती है। सो द लिपिड लेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द माइबोमियन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दी आईलिड्स, अपर एंड लोअर आईलिड्स। दीज आर द टाइप ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स प्लस ऑल्सो द सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ जीज या जाइज। सो माइबोमियन ग्लैंड्स प्लस द सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ जाइस, ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी लिपिड लेयर, जिसकी थिकनेस जो है वो अराउंड 0.2 माइक्रोमीटर्स के करीब होती है। लिपिड्स को अगर आप बाइफरगेट करो, तो इसमें भी जो बाहर वाली लेयर है वो नॉन पोलर लिपिड्स हैं, और जो अंदर वाली लेयर है वो पोलर लिपिड्स हैं। लिपिड लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि एक्वस लेयर की इवेपोरेशन को कम करना। सो लिपिड लेयर जो है वो मेनली इट प्रिवेंट्स मेनली द इवेपोरेशन ऑफ टीयर्स, राइट, या इवेपोरेशन ऑफ द एक्वस लेयर। इसके अलावा लिपिड लेयर की प्रेजेंस से जो टीयर फिल्म है वो ऑक्यूलर सरफेस पे बड़ी स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो इट हेल्प्स इन द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टीयर फिल्म, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द इजी मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स। सो आईलिड्स की स्मूथ मूवमेंट में भी ये जो लिपिड लेयर है वो हेल्प करती है बाय हेल्पिंग इन द इवन डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेड ऑफ द टियर फिल्म। अब हम बात करते हैं एक्वस लेयर की। सो एक्वस लेयर जो है वो मेन लेयर है, एज मच एज 90% ऑफ द थिकनेस ऑफ द टियर फिल्म इज ड्यू टू एक्वस लेयर। सो द थिकनेस वाइज एक्वस लेयर इट कुड बी फ्रॉम 6.5 टू 10 माइक्रोमीटर्स। सो अराउंड 90% थिकनेस ऑफ द टियर्स या टियर फिल्म इज ड्यू टू एक्वस लेयर। अब ये जो एक्वस है ये मेनली कहां से आता है, फ्रॉम द मेन या चीफ लैक्रिमल ग्लैंड। सो द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। साइंटिस्ट के नाम से हम बोलते हैं एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड ऑफ क्रॉसी एंड वॉल्फ्रिन। सो दीज आर द ग्लैंड्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्वस लेयर ऑफ द टियर फिल्म। कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें तो एक्वस लेयर में मोस्टली पानी या वॉटर है, अराउंड 98.2% जो है दैट इज वॉटर।
इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट। इसके अलावा प्रोटीन्स हैं जिसमें से एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल इंजाइम है कॉल्ड लाइसोजाइम। इसके अलावा लैक्टोफेरिन है विच इज द आयरन कैरिंग प्रोटीन लैक्टोफेरिन। इसके अलावा इंजाइम्स हैं लाइक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन ए, राइट। सो वाटर प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन्स इम्यूनोग्लोबुलिन लाइसोजाइम लैक्टोफेरिन इंजाइम्स लाइक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। सो ऑल दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एक्वस लेयर, राइट। और अब हम बात करेंगे म्यूसिन लेयर की। सो जो म्यूसिन लेयर है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज द म्यूसिन लेयर। और ये जो म्यूसिन लेयर है ये भी आपकी टियर फिल्म को कॉर्निया की सरफेस से कॉन्टैक्ट में रखने के लिए या कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स को वेटेबल या हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए द म्यूसिन लेयर जो कि बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है तो इन क्लोज एपोजिशन विद द कॉर्नियल लेयर दैट इज द ग्लाइकोकेलिक्स। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो लेयर है वो कॉर्नियल एपिथेलियल सेल से बनती है। सो उनके कॉन्टेक्ट में यू हैव द म्यूसिन लेयर विच इज द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर कॉन्ट्रीब्यूटेड मेनली बाय द गॉबलेट सेल्स ऑफ द कंजंक्टिवा एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई सर्टेन नॉन गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट इन द क्रिप्ट्स ऑफ हेनली प्लस द ग्लैंड्स ऑफ मेंस। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। और थिकनेस वाइज जो है म्यूसिन लेयर वो सबसे पतली या थिन है। सो इट्स द थिनेस्ट लेयर ऑफ द टियर फिल्म जिसकी थिकनेस सिर्फ 0.02 माइक्रोमीटर्स के करीब है। तो म्यूसिन लेयर जो है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है विच इज बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन हेल्पिंग इन द स्प्रेड ऑफ टीयर्स ओवर द कॉर्नियल सरफेस कॉन्ट्रीब्यूटेड मेनली बाय द गॉबलेट सेल्स ऑफ कंजंक्टिवा ऑल्सो बाय द नॉन गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट इन द क्रिप्ट्स ऑफ हेनली एंड ग्लैंड्स ऑफ मेंस, राइट। सो ये हमने पढ़ लिया टीयर फिल्म का बेसिक स्ट्रक्चर कि टीयर फिल्म में अब लिपिड लेयर है, एक्वस लेयर है और म्यूसिन लेयर है। तो थोड़ी सी बात करेंगे हम टियर फिल्म की डायनामिक्स की। तो टियर फिल्म की डायनामिक्स में क्या है कि जो नॉर्मल आपके टियर्स हैं वो बनते हैं लैक्रिमल ग्लैंड से। तो लैक्रिमल ग्लैंड से टियर्स बनने शुरू हुए तो लैक्रिमल ग्लैंड ने अपनी डक्ट्स के थ्रू टियर्स यानी कि टियर्स का एक्वस पार्ट को सिंथेसाइज किया और आपकी नॉर्मल ऑक्यूलर सरफेस पे भेज दिया। इसके साथ आपकी लिपिड कंट्रीब्यूशन और म्यूसिन लेयर ने मिक्स होके आपकी नॉर्मल जो फंक्शनल टियर फिल्म है उसको बना दिया। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो टियर्स का जो वॉल्यूम है वो 5-10 माइक्रोलीटर्स मिलेगा आपको कंजंक्टिवल सैक में या ऑक्युलर सरफेस पे एंड द नॉर्मल बेजल रेट ऑफ टियर फॉर्मेशन इज अराउंड 1.2 मिलीलीटर्स पर मिनट। इस रेट से टियर्स बनते हैं बल्कि स्प्रेड होते हैं फैसिलिटेटेड बाय द ब्लिंकिंग मैकेनिज्म ऑफ द आईलिड्स। और उसके अलावा ड्रेनेज की बात करें तो 10-25% 10-25% टीयर्स जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ द टीयर्स जो है वो ड्रेन होंगे आपकी लैक्रिमल पैसेजेस में। सो रेस्ट ऑफ द टीयर्स दे ड्रेन इन टू द लैक्रिमल पैसेजेस, राइट। तो आई थिंक ये हमने बात कर ली टीयर्स की नॉर्मल लेयर के बारे में, टीयर फिल्म की डायनामिक्स के बारे में। अभी हम जल्दी से बात करते हैं ड्राई आई के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद कि ड्राई आई का मतलब क्या है, राइट। सो ड्राई आई सिंपली मीन्स के ये जो आपके टीयर्स बन रहे हैं या तो ये टीयर्स इनसफिशिएंट क्वांटिटी में बन रहे हैं। सो टीयर्स की क्वांटिटी कम हो गई, राइट। या बन तो सफिशिएंट क्वांटिटी में रहे हैं पर इनकी क्वालिटी कम हो गई। सो देयरफॉर चाहे टीयर्स की क्वांटिटी कम है चाहे टीयर्स की क्वालिटी कम है कुल मिला के हमारे पास जो टीयर
फिल्म है वो अब इनस्टेबल हो गई, सो इसको हम बोलते हैं कि वी हैव अ इनस्टेबिलिटी ऑफ द टियर फिल्म, इनस्टेबिलिटी ऑफ द टियर फिल्म. सो इनस्टेबिलिटी ऑफ द टियर फिल्म इज गोइंग टू रिजल्ट इन ड्राई आई, या इट्स गोइंग टू गिव यू द सिम्टम्स ऑफ ड्राई आई. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है. सो इसको समझने के लिए भी हम इसके इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स के बारे में समझेंगे, राइट. सो स्टे ट्यून्ड, हम इसको अभी अपने सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू रखेंगे.